हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि। हमारे लॉजिक टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बेल खाने के फायदे, बेल का जूस पीने के क्या क्या फायदे हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, बेल का जूस हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बहुत सारे विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में फायदा पहुँचाते हैं। बेल के 5 फायदे के बारे में बात करेंगे। बेल का जूस पाचन को सुधारने में काफी अधिक मदद करता है। बेल का जूस पेट में जलन, अपच, गैस, बदहजमी, सीने में जलन और बड़ी आंत की समस्याओं को कम करने में मदद करती है। बेल का जूस त्वचा के लिए बहुत उपयोगी होता है। बेल का जूस पीने से त्वचा को चमकदार और स्वस्थ रखने में मदद मिलती है और हमारे त्वचा को संक्रमण से बचाता है। त्वचा के ऊपर होने वाले दाग धब्बे और त्वचा रोग को कम करने में मदद करता है। बेल का जूस दांतों के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। बेल का जूस का नियमित सेवन करने से दांतों को स्वस्थ रखने में, मजबूत बनाने में, दांतों की सुरक्षा में मदद मिलती है। मसूड़ों की समस्या को कम करता है और हमारे मुंह, दांत और मसूड़ों के रोगों से बचाता है। हमारे मुंह के रोग, मसूड़ों के रोग, दांतों के रोग से बचाता है। बेल का जूस शरीर के लिए इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में बहुत मदद करता है। बेल में विटामिन सी, विटामिन ए और भी कई तरह के पोषक तत्व काफी अधिक मात्रा में भरे पड़े हैं जो रोगों से लड़ने में मदद करते हैं और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। बेल का जूस डायबिटीज के पेशेंट को भी काफी फायदा पहुंचाते हैं। बेल के जूस डायबिटीज के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है और इंसुलिन के अवशोषण को सुधारता है। यदि आप बेल के जूस का सेवन करना चाहते हैं तो आप ताजा बेल मार्केट से खरीदें और उसका जूस बना करके पी सकते हैं। यह स्वाद में काफी अच्छा होता है और शरीर को हेल्दी रखने के लिए नियमित रूप से सेवन कर सकते हैं। बेल हमारे पेट संबंधित समस्याओं में बहुत मदद करता है। गर्मी के मौसम में काफी अधिक फायदा देता है हमारे शरीर को। दोस्तों, आपका कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारे लॉजिक टॉक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।